A very good evening to all of you. ओके चलिए सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास खास तौर पर मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नाइपर, जिनका ड्रीम है हमें नाइपर में जाना है. नहीं भी जाना है, माइंड में क्वेश्चन ये जरूर होगा व्हाई नाइपर, क्या है ऐसा नाइपर में कि नाइपर के लिए सर बार बार बोल रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को सर बोल रहे हैं कि नाइपर की तैयारी करिए. Why नाइपर? नाइपर में ऐसा क्या मिलने वाला है जो अदर कॉलेजेस में नहीं मिलता है? हर एक चीज को बहुत ही पॉइंट वाइज आज सारे आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं. सो टुडे वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द नाइपर, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. जो स्टूडेंट्स अभी जीपैट क्वालिफाई हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी करने वाले हैं उनको भी ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो this is class is mainly for the which are students, for those students who have dream to be a NIPER students, unke liye ye class bahut zyada important hone wali hai. sir NIPER exam M Pharma ke liye hota hai? ji ha, sirf M Pharm, MS, MBA inke liye hota hai. to chaliye aaj hum baat karne wale hain how to start your preparation for the NIPER 2021. content wahi rahenge, usme zyada cheeze badlengi nahi. so I hope everything will be clear for the next year students also. आज का ये सारा content हम NIPER 2021 का जो भी हम provide कर रहे हैं, this is the combined work of the GDC team. GDC team, complete team ने मिलके काफी मेहनत करके हर तरह से ये data collection किया है and I hope it will be beneficial for all the NIPER aspirant, whether this year or next year. हर एक चीज के बारे में बात करेंगे. जी हाँ, कौन दे सकता है, कौन नहीं एग्जाम दे सकता है, हर एक चीज को क्लियर करके चलेंगे. चलिए तो बात आती है नाइपर एग्जाम, नाइपर इंस्टीट्यूशंस. नाइपर मींस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज कंबाइंड नोन एज द शॉर्ट फॉर्म में उसको हम बोलते हैं नाइपर बोलते हैं. इनिशियली 1998 से पहले, 1998 से पहले फार्मा एजुकेशन में जो भी एक कंप्लीट कोई भी ऐसा नहीं था जिसको हम ये डेडिकेट कर सकते हैं कि हाँ कोई एक हमारा रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन उससे जुड़े हों. इन 1998 नाइपर का सबसे पहला नाइपर मोहाली एस्टेब्लिश किया गया एंड आज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जीपैट क्वालिफाइड होंगे और उनके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होगी. आई एग्री विद दैट, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. बहुत ध्यान से मेरी बातें समझिएगा, ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है. क्योंकि जब हम जीपैट की बात करते हैं वहां पे सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिनका थोड़ा सा कम है नॉलेज, जिनका ज्यादा है, सारे स्टूडेंट्स उसके फॉर्म फिलअप करते हैं. लेकिन जब नाइपर की बात करते हैं, नाइपर इज जस्ट अ रेस बिटवीन द हॉर्सेज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घोड़े दौड़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जीपैट ने काफी चीजों को कट कर दिया है. तो इसलिए मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. सो इफ यू आर एंजॉयिंग योर जीपैट 2020 रिजल्ट, दैट्स ओके. 2021 ओके, आप 2021 रिजल्ट ले चुके हो. ओके तो अब हमें तैयारी किस चीज के लिए करनी है? नाइपर के लिए करनी है. और कितने इसके इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं? जीपैट 21 अपडेट्स, प्लीज बेटा एक ही क्वेश्चन बार बार करोगे तो शायद मजा नहीं आएगा. आपका क्वेश्चन मैं जरूर देख लूंगा, आंसर जरूर करूंगा. सो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा और उसके लिए वेट करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ओके तो सबसे पहले बात आई कि नाइपर मोहाली, सास नगर मोहाली, पंजाब.
पंजाब में पहला नाइपर का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया फॉर द क्वालिटी एजुकेशन इन फील्ड ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसी में क्वालिटी एजुकेशन को, और खास तौर पर आप इस समय अगर बात कर रहे हो कोविड 19 के इरा में, यहाँ पे आप सबको पता है फार्मेसी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा बूम हुआ है, बिकॉज इन ऑल द फार्मा इंडस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मा स्टूडेंट्स, और R&D सेक्टर में बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई है, और वहां के लिए सबसे बेस्ट हमारा क्या होता है, नाइपर ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट, आफ्टर मोहाली, इन उसके लगभग 10 साल के बाद 2007 में हमारे नेक्स्ट 4 ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए गए। कहां कहां पे नेक्स्ट हमारा एस्टेब्लिश किया गया, हैदराबाद में एस्टेब्लिश किया गया, अहमदाबाद में नेक्स्ट, कोलकाता एंड हाजीपुर, ये 4 नेक्स्ट हमारे एस्टेब्लिश किए गए। फर्दर 2008 में, उसके एक साल के बाद हमारे गुवाहाटी और रायबरेली में, सो टोटल हियर वी हैव द टोटल 7 नाइपर कॉलेजेस इज ऑल ओवर इन द इंडिया। पूरे इंडिया में सिर्फ आपके 7 नाइपर कॉलेजेस हैं, और ये एक वेल रेपुटेशन की हम बात करते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी चीजें आपको नाइपर के लिए तैयारी कराने वाली हैं, हर एक चीज को आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो नाइपर के आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये आपको आइडिया मिल गया। अब हम बात करने वाले हैं इन नाइपर्स में क्या है ऑल ओवर इंडिया पे इनकी रैंकिंग। आप सारे स्टूडेंट्स ऑल आर बीफॉर्म, वेदर अपियरिंग फाइनल ईयर और थर्ड ईयर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है हमें NIRF रैंकिंग, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF रैंकिंग इंडियन गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है, और हमारे फार्मेसी फील्ड में अगर हम बात करें, मोहाली ऑल ओवर इंडिया में 3rd NIRF रैंकिंग है, हैदराबाद हमारा नाइपर हैदराबाद हैव द 5th, अहमदाबाद 8th एंड गुवाहाटी 11th, 18th पे रायबरेली एंड 27th पे हमारा कोलकाता आता है। मींस अगर NIRF रैंकिंग पे चलेंगे तो हमारे ये डिफरेंट यहाँ पे आपको लोकेशंस देखने को मिलेंगे जहां पे हमारी ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि नाइपर को अगर हम बात कर रहे हैं, नाइपर की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे नाइपर को एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, बेसिक चीज क्यों नाइपर लाया गया। ऑलरेडी हमारा BHU एस्टेब्लिश था, ऑलरेडी हमारे साउथ के कॉलेजेस एस्टेब्लिश थे, नेक्स्ट हमारे नागपुर में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश थी, सागर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश थी, पंजाब यूनिवर्सिटी थी, तो ये नाइपर का लाने का मेन मोटो क्या रहा। फर्स्ट हमारा क्या था, मेनली टोनिंग अप द लेवल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च को इम्प्रूव करना, रिसर्च साइंटिस्ट डेवलप करना, मैनेजर फॉर द इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन इनको डेवलप करना, नाइपर का काम। कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, आप बीफॉर्म के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे फर्दर नहीं कंटिन्यू करते हैं, तो उनके एजुकेशन को कंटिन्यू कराने के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप किए गए एंड नेशनल सेंटर्स बनाए गए फॉर द नीड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन। कोलेबरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री, नाइपर में सबसे ज्यादा क्या है, जितने भी नाइपर हैं, जितने भी नाइपर कॉलेजेस हैं, उनके कोलेबरेशन है डिफरेंट आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से, जिसकी वजह से नाइपर में प्लेसमेंट 100% और नियरली 100% आपको देखने को मिल जाता है, और खासतौर पर top 3 कॉलेजेस में सबसे ज्यादा आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है। नेशनल इंटरनेशनल कोलेबरेटिव रिसर्च होते हैं, कैरिकुलम एंड मीडिया डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ड्रग यूज एंड अब्यूज, रूरल फार्मेसी डेवलपमेंट, कंडक्टिंग प्रोग्राम ऑन ड्रग सर्विलांस, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को इंप्रूव करना, दिस इज द मेन मोटो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नाइपर कॉलेजेस। अब आपको एक आइडिया लग गया नाइपर कॉलेज क्यों लाए गए, आपको 7 कौन कौन से कॉलेज है वो समझ में आ गया, उनकी NIRF रैंकिंग क्या है वो समझ में आ गया। बात क्वेश्चन आता है इसका फॉर्म कब आता है, एक टेंटेटिव डेट की हम बात करते हैं। नाइपर का हमारा जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो हमारा ये फॉर्म आता है, 1st वीक ऑफ अप्रैल में, लास्ट डेट इसका 2nd वीक ऑफ मई में होता है, एंड इसका एडमिट कार्ड अराउंड 1st वीक ऑफ जून में आता है, एंड एग्जाम जो होता है 2nd वीक ऑफ जून एंड रिजल्ट 3rd वीक ऑफ जून। मतलब आज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा ये मार्च का मंथ एंड हो रहा है। नाउ यू हैव द नेक्स्ट 3 मंथ फॉर योर नाइपर एग्जाम प्रिपरेशन, तो अगले आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए इन 3 महीने को
इतने अच्छे से यूटिलाइज करिए कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे बेटा, बहुत आराम से चलेंगे, हर चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपको यह पता चल गया कि एग्जाम फॉर्म, इसका फॉर्म कब आता है, रजिस्ट्रेशन कब होता है, एग्जाम कब होता है, ये चीजें हमारे नाइपर के रिलेटेड। एक ही फॉर्म फिलअप किया जाता है हर कॉलेजेस के लिए, अलग अलग नहीं होता है। वन फॉर्म जिसको हम नोट करते हैं नाइपर जेईई, नाइपर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से ये फॉर्म आता है, और हर साल अलग अलग नाइपर कॉलेजेस इसको कंडक्ट करते हैं। लाइक कभी मोहाली करता है, देन हैदराबाद, देन आपका कोलकाता, देन अहमदाबाद, अलग अलग ये कॉलेजेस हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। यहां पे आपके कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज के क्या क्या मायने हैं, यहाँ पे आपको मेनली चार टाइप के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एम फॉर्म, एम फॉर्म जो आपके कोर ब्रांचेस होते हैं उनमें आपके एम फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट एम टेक, एम टेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एम एस फार्मा, मास्टर इन साइंस, मास्टर इन साइंस इन फार्मास्यूटिकल साइंस, एंड पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, एज वेल एज फार्मा एमबीए। फार्मा एमबीए भी हमारे नाइपर के तीन कॉलेजेस, अभी तक दो कॉलेजेस थे, अब तीन कॉलेजेस हैं जो फार्मा एमबीए कंडक्ट कराते हैं। कहां कहां पे, नाइपर मोहाली मींस सासनगर, नेक्स्ट नाइपर हैदराबाद, नेक्स्ट इस लास्ट ईयर से नाइपर अहमदाबाद में भी फार्मा एमबीए को जोड़ा गया है। सारी सीट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, ब्रिंग गुड रैंक इन इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन ब्रांच यू कैन सेलेक्ट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इसमें एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइपर में एडमिशन कैसे होगा? नाइपर में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपका नाइपर जेईई एग्जाम होगा इसमें आपकी गुड रैंक होनी चाहिए। मींस मैक्सिमम मैं बात करूंगा, नाइपर में 600 और 700 रैंक तक के एडमिशन होते हैं, कोर ब्रांचेस नहीं मिलेंगी लेकिन एडमिशन हो जाएंगे। मींस आपको यहां पे एक अच्छी रैंक लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पे आपकी रैंक हायर हो जाती है तो चांसेस हैं कि आपको यहां पे एग्जाम, आपके एडमिशन होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस नाइपर ब्रांच में कौन कौन से यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। अगर बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी हमारा एमएस फार्मा में आता है, मास्टर इन साइंस में आता है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर एंड सासनगर, यहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है। अगर क्लिनिकल रिसर्च की बात करते हैं, केवल सासनगर मोहाली में क्लिनिकल रिसर्च केवल एक जगह होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री से अगर आप एमएस फॉर्म करना चाह रहे हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, सासनगर, मींस आपको हाजीपुर छोड़ के हर जगह आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री अवेलेबल है। मेडिकल डिवाइसेस केवल और केवल अहमदाबाद में, और सबके लिए नाइपर फॉर्म के लिए ही एलिजिबिलिटी बी फॉर्म होती है कि बी फॉर्म आपकी होनी चाहिए, बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर आपको रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी से करना है, देन हैदराबाद एंड सासनगर केवल दो जगह। यहां पे कुछ और ब्रांच फील्ड को भी जोड़ा गया, लाइक अगर वेटनरी साइंस, बैचलर इन वेटनरी साइंस, एमएससी फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी एंड एमबीबीएस, ये स्टूडेंट्स भी इसके एग्जाम में देते हैं और यहाँ पे रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में बात करें, यहाँ के लिए बी फॉर्म, बीएमएस एंड एमएससी इसका एलिजिबिलिटी होती है, ये केवल और केवल सासनगर में होता है। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी एमबीए, फार्मा एमबीए जो बहुत ही ज्यादा वेल नोन और एक वेल रेप्यूटेड कोर्स माना जाता है नाइपर में, हैदराबाद, सासनगर एंड लास्ट ईयर का हम यहां पे जोड़ देते हैं अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद में भी हमारा फार्मा एमबीए ऐड कर दिया गया है। इसके लिए बी फॉर्म, बीटेक इन क्लिनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एमएससी इन केमिकल और लाइफ साइंस अवेलेबल एलिजिबल है। फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं, ओनली बी फॉर्म अहमदाबाद, हैदराबाद, रायबरेली एंड सासनगर में। ये चीजें आप जरूर मेंशन करते जाइएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए यहाँ पे जरूरी होने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, एमएस फॉर्म यहाँ पे अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायबरेली, सासनगर, मींस हाजीपुर में भी हमारा ये अवेलेबल हो चुका है। बी फॉर्म, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एमबीबीएस। वाइल अगर बात करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस आपका गुवाहाटी, हाजीपुर एंड सासनगर में है, ओनली एंड ओनली बी फॉर्म एलिजिबल स्टूडेंट्स इसके लिए होते हैं। सर अगर हम थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लें तो क्या इसके बाद थर्ड ईयर में ही नाइपर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, थर्ड ईयर एलिजिबल है ही नहीं है, बार बार मैं आपसे बोलूंगा। अभी तो हमने बात किया कि हमारे कहां पे कौन कौन से कोर्सेज रन करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं उन कोर्सेज में हमारे हर नाइपर कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, अगर इसके बारे में यहाँ पे बात करें। नाउ सबसे पहले बात करते हैं नाइपर मोहाली के बारे में।
नाइपर मोहाली यानी सासनगर की अगर हम बात करते हैं, एमएस फॉर्म यहाँ पे कितने सब्जेक्ट से होता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री, जहां पे आपको टोटल आपकी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल 26। नेक्स्ट नेचुरल प्रोडक्ट 13 सीट्स अवेलेबल। ट्रेडिशनल मेडिसिन 5 सीट। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 9 सीट्स है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 18 सीट्स। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी 9 सीट्स। फार्मास्यूटिक्स 20। फार्माकोकाइनेटिक्स 17। बायोटेक्नोलॉजी 35। तो ये जितने कोर्सेज हैं ये सब एमएस फॉर्म में आते हैं। नाउ अगर एम फार्मा की बात करें तो फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जहां पे आपको 9 एंड 7 सीट्स यहां पे अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट एमटेक यानी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में, एमटेक की बात करें तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में दो टाइप से आपकी आएंगी, प्रोसेस केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसेस इन केमिस्ट्री में 17 एंड बायोटेक्नोलॉजी में 11 सीट्स अवेलेबल है। अगर एमबीए की बात करते हैं, फार्मा एमबीए की बात करते हैं, तो नाइपर मोहाली में सबसे ज्यादा 46 सीट्स अवेलेबल है। कितनी सीट्स अवेलेबल है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आपकी 46 सीट्स अवेलेबल है, 46 सीट्स। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल है। अगर हम ये बात यहाँ पे आ जाती है, नेक्स्ट नाइपर हैदराबाद, नाइपर हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके मेनली तीन में चलते हैं, एमएस फॉर्म हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। एमटेक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री में ही 17 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एमबीए यानी फार्मा एमबीए की बात करें तो यहाँ पे 38 सीट्स अवेलेबल है। ये सीट्स थोड़ा बहुत वेरी हो सकती है हर साल अकॉर्डिंग टू देयर कॉलेज गाइडलाइंस के बेसिस पे। नाउ नाइपर अहमदाबाद के बारे में बात करें, यहाँ पे कितनी सीट्स हमारी अवेलेबल है? बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 13 सीट्स, यहाँ पे आपकी 13 सीट्स अवेलेबल है। मेडिसिनल केमिस्ट्री 22 सीट्स। मेडिकल डिवाइसेस 15 सीट्स। नेचुरल प्रोडक्ट 10 सीट्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 25 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में यहाँ पे आपकी 25 सीट्स अवेलेबल है। फार्मास्यूटिक्स 25 एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे अहमदाबाद में 20 सीट्स लास्ट ईयर से ऐड की गई हैं, और ये सीट्स भी हमारी वेरी कर सकती हैं। सर क्या सीट्स में भी रिजर्वेशन है नाइपर में? नहीं, जो आपकी रैंक आएगी उसके बेसिस पे जब आप काउंसलिंग करने जाओगे वहां पे भी रिजर्वेशन आता है, काउंसलिंग में भी रिजर्वेशन हमारा अप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये सीट्स हमारी कहां पे हो गई? अहमदाबाद में। फर्दर हम बात करते हैं गुवाहाटी में हमारी कितनी सीट्स है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पे 15 सीट्स आपको मिलेंगी। बायोटेक्नोलॉजी में 10 सीट्स। फार्मास्यूटिक्स 18। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 19 सीट्स होंगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री में 11 सीट्स आपको मिलेंगी। फार्मेसी प्रैक्टिस में 10 सीट। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन में 11 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पे अब फार्मा एमबीए वाली सिचुएशन हट चुकी है, ये सीट्स हमारी यहाँ पे मिलेगी कहाँ पे? फार्मा नाइपर गुवाहाटी की बात करते हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं नाइपर कोलकाता, कम ब्रांचेस है यहाँ पे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में 20 सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी। नेचुरल प्रोडक्ट में 7। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स 5। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 20 एंड लास्टली फार्मास्यूटिक्स में 11 सीट्स आपकी अवेलेबल होती हैं। वाइल अगर हम बात करते हैं नाइपर रायबरेली, यहाँ नाइपर रायबरेली में मेडिसिनल केमिस्ट्री में 25 सीट्स। फार्मास्यूटिक्स 20। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 20 एंड रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में 12 सीट्स अवेलेबल है। मतलब सीट्स आप देख सकती हो, क्योंकि जब ये सीट्स अभी मेरे दिखाने का क्या मतलब है? आप बोलोगे सर ये तो हमें बाद में मिल जाएगा। बेटा इसलिए मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अभी से अपना टारगेट बनाना है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि सर मुझे सपोज फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में करना है लेकिन रायबरेली में ही करना है, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा रायबरेली में अवेलेबल ही नहीं होगा। तो आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि आप कहाँ से और किस ब्रांच से करना चाह रहे हो, क्योंकि अब आपके लिए स्पेशलाइजेशन डिसाइड कर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। एमएस फॉर्म अगर हम बात करें हाजीपुर में सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें कॉमन तीनों में 18 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। हाजीपुर में सिर्फ 3 ब्रांचेस यहाँ पे चलती हैं। अब इसका पॉइंट आता है कि हमारा ये हम नाइपर क्यों जाएं भाई, हम बाकी कॉलेजेस में क्यों नहीं जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है प्लेसमेंट, सबसे मेजर फैक्टर है प्लेसमेंट। ओके, आप लोगों के 2-4 क्वेश्चन में ले लेता हूं। पॉइंट आपका आता है नाइपर ऑनलाइन या ऑफलाइन? नाइपर का एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है। ओके, एमएस फॉर्म एम फॉर्म में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस नहीं है। पहले एक्चुअली क्या होता था कि ये हमारा एआईसीटी अप्रूवल नहीं था, तो एम फॉर्म यहाँ पे नहीं होता था, बट
फर्दर उसको अप्रूव करके हमारी एमएस मास्टर इन साइंस एंड एमफॉर्म वहां पे रख दिया गया, ब्रांचेस वाइज वो चेंज कर दिया गया। सर जीपैट का रैंक का असर नाइपर में पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। जीपैट की रैंक आपकी पहली हो या आखिरी हो, आपकी क्वालिफाई अगर है तो आप नाइपर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस इतना ही आपको जीपैट का एग्जाम यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिलाता है। मींस क्वालिफाइड जीपैट रिजल्ट इज नेसेसरी फॉर द फिलिंग ऑफ द नाइपर एग्जाम। अगर आप क्वालिफाई हैं तभी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। इफ आई बीट नाइपर देन हाउ मच स्टाइपेंड गिव नाइपर पर मंथ? सिमिलर स्टाइपेंड भी यहाँ पे सेम है, 12,400, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं से भी आप करोगे, जीपैट की फेलोशिप फिक्स है, AICTE देती है 12,400, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सर फार्मेसी प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल रिसर्च में क्या डिफरेंस है? फार्मेसी प्रैक्टिस क्लिनिकल रिसर्च दोनों हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्लिनिकल रिसर्च हमारा वहां पे होता है, उसके लिए क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलाइजेशन होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस एग्जैक्टली हमारा कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड होता है, जो हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वो चीजें आती है। GDC का नाइपर का पैकेज है, हाँ आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है अपनी पढ़ाई के बेसिस पे, लेकिन अभी मैं सिर्फ नाइपर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर में जीपैट क्वालिफाई किया हो वो नाइपर को फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके 8th सेम अभी क्लियर नहीं है, प्लीज रिप्लाई। संजीव मैं आपको मेंशन करूंगा, देखिए इस बार कोविड का प्रोटोकॉल है वो हर जगह, हर स्टूडेंट इस चीज से परेशान है, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जरूर जो भी हमारे कंडक्टिंग बॉडी होगी वो कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको ऑप्शन जरूर देगी, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके सर When you gonna start test series for NIPER? Manash, वो already start है, आप GDC classes app में देख सकते हैं। NIPER में M.Form या MS के लिए stipend देती है क्या? जी हाँ, MS, M.Form कुछ भी आप करिए stipend मिलेगा, MBA में नहीं मिलेगा, उसके लिए criteria अलग हो जाती है। Scope किसमें ज्यादा है? Depend on your choice, आपके choice पे सबसे ज्यादा depend करेगा। Okay, चलिए अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि पॉइंट आया कि क्यों नाइपर पे जाना है, हमने बोला कि प्लेसमेंट, तो ऐसा क्या प्लेसमेंट हमको नाइपर दे देती है जिसकी वजह से मुझे नाइपर में जाना है। मैं यहां पे जितने आपसे डेटा की बात करूंगा ये मेरा बनाया हुआ डेटा नहीं है, दिस ऑल आर फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, वहीं से ये डेटा लिया गया है, इसलिए आप मेरे से क्वेश्चन मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नाइपर के ऑफिशियल डेटा से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूं अबाउट द नाइपर मोहाली, नाइपर सासनगर मोहाली का जो हमारा नाइपर ब्रांच है वहां का प्लेसमेंट सेक्शन दिया गया है आपको, मैं लास्ट 3 ईयर का दिखाऊंगा, लेकिन अभी 20 का कंप्लीट डेटा नहीं आ पाया है इसी कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, जहां तक का अवेलेबल है मैं वहां तक का आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए हम बात करते हैं अगर 18-19 के प्लेसमेंट की बात करें, 19 के बाद का भी नहीं आ पाया है, उसके पहले का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं 18 तक ले लेते हैं, 18 में आपकी टोटल 45 कंपनीज ने यहां पे कैंपस प्लेसमेंट करवाया, समझिएगा मेरी बात, 45 कंपनीज एक ह्यूज नंबर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 45 कंपनी अगर आ रही है कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो आप समझ सकते हैं उसका रेपुटेशन क्या होगा। यहां पे जो मिनिमम पैकेज गया है इस बार, मतलब 18 की बात कर रहा हूं, मिनिमम पैकेज जो गया 2.20 लाख पर एनम, ये सारे अमाउंट लाख में है ध्यान रखिएगा, मिनिमम गया 2.20 लाख पर एनम, और अगर आपका एवरेज की बात करें तो 3.6 लाख पर एनम गया, और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 11 लाख पर एनम, जी हाँ 11 लाख पर एनम की यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज दिया गया। नाउ यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट का आपको देखने को मिलेगा। 17 की बात करें तो यहाँ पे 32 कंपनीज ने विजिट किया था, 2.5 लाख मिनिमम एंड 2.84 एवरेज, और मैक्सिमम 8 लाख एनम यहाँ पे आपको गया। 16 की बात करें 2.4 मिनिमम, एवरेज 4 लाख पर एनम एंड मैक्सिमम 7 लाख, ये एवरेज हम क्राइटेरिया बता रहे हैं। अब आप इस चीज को देख के एक चीज इमेजिन कर सकते हो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बेटा आप इस लेवल पे बात करो, लेकिन अगर आप इस लेवल पे भी बात करते हैं ना, इनिशियली अगर कोई कंपनी आपको 4 लाख पैकेज दे रही है, अराउंड 4 लाख का पैकेज दे रही है, लिटरली इट मींस अलॉट, नो डाउट, क्योंकि आपको एश्योरिटी नहीं होती है, आपको यहां तो एश्योरिटी नहीं है कि अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्म करोगे प्लेसमेंट तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप कहीं आप जाके भी इंटरव्यू दोगे तो आपको वो 4 लाख का पैकेज इनिशियली देंगे कि नहीं देंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसलिए नाइपर मोहाली ये एक एग्जांपल दिया, नाइपर हैदराबाद
मैं नाइपर हैदराबाद के प्लेसमेंट के बारे में सब इन्होंने अपना पूरा डेटा दिया हुआ है। नाइपर हैदराबाद ने अपना पूरा डेटा दिया और इन्होंने अपना शो क्या किया कि हमारा कैंपस इंटरव्यू 97.9%, मतलब मैं मान के चलूंगा इसको कि लगभग 100% यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, जितने स्टूडेंट्स थे सारे प्लेस्ड हुए हैं। और ये कब का डेटा है, 19 का डेटा है, हैदराबाद के बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने दिया कि अगर 30 स्टूडेंट्स हमारे केमिस्ट्री में थे तो उनका जो रजिस्टर्ड हुए 22 रजिस्टर्ड हुए और इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट करके प्लेस्ड हुए 22 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हुए। 8 जो थे वो हायर स्टडी के लिए चले गए इसलिए हमारे 22 ही प्लेस्ड हुए। मतलब आप ये बात करो कि 20 यहाँ पे जितने मिल रहे हैं ये सब किसके चले गए, पीएचडी करने हायर स्टडी के लिए चले गए, इसलिए ये हमारा डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। 12 यहाँ पे बात करें पूरे यहाँ पे 12 हो गए, 13 यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए पूरे यहाँ पे प्लेस, 11 में से 10 प्लेस्ड हुए, एक बच्चा कोई रह गया फार्माकोलॉजी में। 8 की बात करें यहाँ पे 4 रजिस्टर्ड हुए, 3 यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, 7 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए और यहाँ पे 7 सेलेक्ट हो गए इन केस ऑफ द एमटेक। तो मतलब आप बात करोगे कि हैदराबाद में आपके लगभग, और अगर एमबीए की बात करें कोई डाउट ही नहीं है, 100% प्लेसमेंट, फार्मा एमबीए 100% प्लेसमेंट। और ये डेटा आपको ये शो करता है कि कितना ज्यादा प्लेसमेंट से रिलेटेड आपके लिए फार्मा नाइपर जरूरी है। मींस इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे क्या करना है, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, इफ यू आर जीपैट क्वालिफाइड देन गिव योर 100% फॉर दिस नाइपर, 100% दीजिए, अच्छी रैंक लाइए, नाइपर में सेलेक्ट होइए, उसके बाद की चीजें सोचिएगा कि क्या करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से आपको प्यार है, फ्यूचर से आपको लगाव है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मीन्स यू हैव टू डू योर बेस्ट फॉर द नाइपर एग्जाम। एमबीए में स्टाइपेंड क्यों नहीं देगा, वो नहीं देते हैं, उसका रीजन है, वो मैं बात करूंगा आपसे। कोर ब्रांच अफेक्ट प्लेसमेंट जी, बेटा ये देखिए मैंने आपको कोर ब्रांच तो छोड़ दीजिए, अच्छा आप यहाँ पे सारे कोर ब्रांचेस मानते हो, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी आपकी कोर ब्रांच है क्या, नहीं ना, लेकिन 8 स्टूडेंट्स में से 4 रजिस्टर्ड हुए और 3 यहाँ पे प्लेस्ड हो गए, 4 आपके हायर स्टडी के लिए चले गए, तो ये तो कोर ब्रांच नहीं है। प्रोसेस केमिस्ट्री एमटेक की, ये भी कोर ब्रांच नहीं है, लेकिन 7 रजिस्टर्ड हुए और 7 के 7 प्लेस्ड हो गए। तो आप इन कॉलेजेस में आप कोर ब्रांच मत सेलेक्ट करिए कि सिर्फ कोर ब्रांच ही हमारे लिए जरूरी है, आपकी यहाँ पे कोई भी ब्रांच होगी ना, प्लेसमेंट अराउंड 100% है, अप्रॉक्स 100% है, मींस फुल अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। यस नाइपर मोहाली हैव द 100%, इफ आई वॉन्टेड टू गेट एडमिशन इन एम फॉर्म फार्मास्यूटिक्स और मेडिकेम हो सकता है इन नाइपर अहमदाबाद, इज इट, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके कैन वी ज्वाइन नाइपर बिफोर 8th सेम यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो गाइडलाइंस आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी होगी नाइपर की, वो जरूर कुछ ना कुछ उससे पहले आपको रिलीज करेंगे, आपको एक टाइम दिया जाएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के बेसिस पे, क्योंकि वो आपकी फॉल्ट नहीं है। आपकी फॉल्ट तब होती है जब आपका फोर्थ ईयर क्लियर नहीं हो रहा है, आपकी गलती की वजह से आपके बैक लगी हुई है, ये कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो कोविड प्रोटोकॉल है ना, तो इसलिए उसके लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाइपर में मिनिमम कितने मार्क्स मैंडेटरी होते हैं, आगे चल के बात करेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया प्लेसमेंट, चलो ये तो हम दो कॉलेजेस के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको डेटा शो करता हूं जो आपको मुझे अवेलेबल हुआ। देखो बेटा मैं आपको बार बार बोलूंगा ये मेरा डेटा नहीं है बनाया हुआ, जो डेटा ऑफिशियली अवेलेबल है मैं वही आपसे बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए आपको दिया गया है प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, नाइपर हैदराबाद, नाइपर हैदराबाद ये अपना शो कर रहे हैं कि मीडियम सैलरी जो दी गई वो 11 लाख आपको मैक्सिमम, और एवरेज सैलरी यहाँ पे 5.56 लाख की एवरेज सैलरी यहाँ पे दी गई। हैदराबाद ने सबसे ज्यादा अपना डेटा दिया हुआ है। अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद में 67 स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल नंबर थे और प्लेसमेंट के लिए गए 60 स्टूडेंट्स और उनमें से 46 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो प्लेस्ड हुए, बाकी जो थे मैक्सिमम आपके हायर स्टडी के लिए चले गए। मतलब आप नाइपर रायबरेली तक की बात करिए, 34 स्टूडेंट्स में से यहाँ पे 30 प्लेसमेंट के लिए गए और 29 क्या हो गए, प्लेस्ड हुए। इवन हाजीपुर भी आपके काफी प्लेसमेंट हुए। मतलब आप नाइपर की बात कर रहे हैं, नाइपर हाजीपुर का प्लेसमेंट बेटा सिर्फ मुझे इतना मिल पाया है कि यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप टोटल बात करोगे तो 54 सीट्स हैं तो 8 प्लेसमेंट हुए। मैं अगर प्लेसमेंट की आपको गारंटी वाली बात करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा शुरू के 3 ये गुवाहाटी और नेक्स्ट आपका यहाँ पे अहमदाबाद, हैदराबाद, मोहाली कहाँ गया, ओके मोहाली, इन 4 कॉलेजेस पे आप बेट करिए, रैंक अच्छी लाइए,
क्योंकि ये सबसे पहले सीट फुल होती हैं, मोहाली सबसे पहले कोर ब्रांचेस जाती हैं, देन हैदराबाद, देन अहमदाबाद, गुवाहाटी, देन कोलकाता, देन रायबरेली एंड देन हाजीपुर, ये इस सीक्वेंस में यहाँ की सीट्स फिल होती हैं। तो इसलिए आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। माई रैंक इज 2391, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टिक्स में एडमिशन हो सकता है। सत्यम उसके बारे में भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ बेटा गो फॉर द नाइपर। आपकी रैंक कुछ भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू हैव टू जस्ट थिंक दैट यू वॉन्ट टू गो फॉर द नाइपर। सिर्फ एक चीज आपको रखना है ओके. तो अब आपको ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको मिला नाइपर का, लास्ट इयर्स के जो भी हमें डेटा मिले हम उसको आपको विजिबल किए, मतलब अराउंड आप मान सकते हो कि एक अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको नाइपर में मिलता है और शुरू के टॉप कॉलेजेस में सबसे ज्यादा आपको मिलता है। फार्मा एमबीए क्या है ओके. हाउ इज एमफॉर्म फ्रॉम एमएसयू, बिल्कुल बड़ोदरा से, एमएसयू बड़ोदरा से एमफॉर्म बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा कॉलेज है, डेफिनेटली आप वहां पे अगर ऑप्ट करते हैं गुड चॉइस होगी, कोई डाउट उसमें नहीं होगा ओके. अब बात आती है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, इसके लिए क्या जरूरी है, क्या क्राइटेरिया है, कितने क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग कैसे होती है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका नाइपर एग्जाम ऑनलाइन मोड में आ चुका है, पहले नहीं था लेकिन अब क्या है ये भी नाइपर हमारा ऑनलाइन मोड में चलता है, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसको इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास सबसे जरूरी चीजें, पहले दो क्राइटेरिया, आप बी फॉर्म के स्टूडेंट हो, मीन्स अपियरिंग स्टूडेंट हो, और आपने क्वालिफाई कर लिया हो, या तो आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो या आपका बी फॉर्म क्वालिफाई हो गया हो, सबसे पहले यहां पे पॉइंट आता है। देन शुड हैव वैलिड जीपैट, गेट, नेट स्कोर कार्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जी हाँ, यहां पे एक पॉइंट मेंशन करूंगा, इफ एनी स्टूडेंट्स हैव द वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑल्सो, मान लीजिए अगर आपका जीपैट नहीं हुआ है और आपका गेट क्वालिफाई है तो आप गेट के थ्रू भी फॉर्म नाइपर का फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गेट, जीपैट एंड नेट, ये तीन चीजें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, कि ये तीन चीजें मस्ट हैं, कि इनमें तीन में से आपके पास एक कोई ना कोई वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, मींस क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, आपने जीपैट दिया कितने क्वेश्चन आपके थे यहाँ पे 125 क्वेश्चन, और टाइम कितना था आपके पास यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम था। लेकिन जब आप नाइपर की बात करेंगे यहाँ पे 200 क्वेश्चन और ड्यूरेशन कितना मिल रहा है 2 आवर्स का मिल रहा है, बात समझिएगा, क्वेश्चन ज्यादा टाइम कम, क्वेश्चन इजी होते हैं, वन लाइनर होते हैं नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप 200 क्वेश्चंस को केवल पढ़ने बैठेंगे ना तो भी 2 घंटे बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको फास्ट चलना पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को इजी वे में ट्रैक क्रैक कर पाएंगे। और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग 0.25% की, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको नाइपर में भी देखने को मिलेगी। फार्मा एमबीए स्कोप वन ऑफ द बेस्ट स्कोप, कोई डाउट नहीं है, कितने क्वेश्चन सही होना जरूरी है। ऑन अराउंड मैं अगर लास्ट ईयर से आपको बात करता हूं, ऑन अराउंड अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, जैसे मैंने 4 कॉलेजेस नाइपर के लिए बात किया, तो यहां पे आपके कम से कम, मिनिमम बात कर रहा हूं बेटा, मिनिमम अराउंड 150 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अराउंड 150 क्वेश्चन अगर सही होंगे 200 में तभी आप मोहाली या हैदराबाद के बारे में सोचेंगे, मींस एक हाई कट ऑफ जाती है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे यहाँ पे आते हैं, इजी होते हैं लेकिन कट ऑफ हाई जाती है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा, सर जीपैट में ये ऑल इंडिया रैंक है, कॉलेज मिलेगी काउंसलिंग में, बेटा प्रभाकर जीपैट क्वालिफाई करने से कोई काउंसलिंग नहीं होती है, काउंसलिंग आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, आप वैलिड हैं, आप एलिजिबल हैं टू फिल द फॉर्म ऑफ द वेरियस कॉलेजेस, जिनमें नाइपर, बीएचयू, पंजाब, जो मैंने आपको कॉलेजेस बताए इनके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ एक वैलिडिटी मिली है, एक आपको एलिजिबिलिटी मिली है, अभी आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग के बारे में बात करें ओके. तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको स्टडी कितने लेवल पे करनी है, हाई होनी चाहिए, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस आपको राउंड सही करने हैं, मतलब आपका एक एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग एज मच एज रिड्यूस होनी चाहिए, और साथ में आपकी क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ये तो एलिजिबिलिटी हुई, नाउ सिलेबस, मुझे क्या पढ़ना है नाइपर के लिए,
क्या सिर्फ फार्मा पढ़ लूं जो मैंने जीपैट के लिए तैयारी किया, दिस इज सफिशियंट? मेरा आंसर होगा नो, नॉट, बिल्कुल नहीं. एक्सक्यूज मी. सर ओपन कैटेगरी को कितनी रैंक लानी है फॉर एडमिशन इन कोलॉजी इन मोहाली? 100 200 अराउंड 250 मैक्सिमम. 250 रैंक आपकी नाइपर में होनी चाहिए. व्हाट रैंक इज रिक्वायर्ड फॉर आईआईटी बीएचयू? मैक्सिमम जीपैट में 200 से ज्यादा नहीं, 200 के अंदर होनी चाहिए. नाइपर क्लास कब से स्टार्ट होगा जीडीसी ऑनलाइन कोर्स पे? स्टार्ट हो जाएगा बेटा. सर प्लीज टेल द सब्जेक्ट ऑल्सो. बेटा मैं सारे आता हूं संदीप, यहीं पे आ रहा हूं. सारे सब्जेक्ट, हर एक चीज के बारे में बात करने वाला हूं, जस्ट मेरी बात समझिएगा. पहली चीज मैं आपसे बोल दूं, ऑफिशियली नाइपर ने कोई भी सिलेबस को डिजाइन नहीं किया, कोई भी सिलेबस ऑफिशियली रिलीज नहीं किया. सो देयर इज नो ऑफिशियल सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय नाइपर इंस्टीट्यूशन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अब बात आती है, जब कोई ऑफिशियल सिलेबस ही नहीं है तो हम किस चीज की तैयारी करें? तो पॉइंट आता है, जो लास्ट 10 ईयर 20 ईयर से एग्जाम हो रहे हैं उनके फॉर्मेट को लेके चलेंगे और उनके बेसिस पे हम अपनी तैयारी करेंगे. तो उन सिलेबस को बनाने के बाद हॉस्टल नाइपर की फीस कितनी, कैसे होती है, हर एक चीज मैंने क्या बोला बेटा, इसके बाद नाइपर से रिलेटेड हर डाउट क्लियर कर दूंगा. बस थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीजें क्लियर करेंगे. चलिए पॉइंट आता है कि जो सिलेबस है, हमने क्या बात किया कि ऑफिशियल नहीं है, तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो स्टूडेंट्स का बैकअप है या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, उसके बेसिस पे हमने एक टेंटेटिव नाइपर का सिलेबस डिजाइन किया है कि जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं. और इनमें सबसे पहले हमारा दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं. अगर आपको नाइपर के लिए तैयारी करनी है तो आपको एक चीज जरूर ध्यान देके चलना है कि आपको अपना कंप्लीट जीपैट वाला फार्मा सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उनमें आपको मेजर किस चीज में फोकस करना है. यहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मींस बेसिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एंड नेक्स्ट आपका फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये आपके कोर ब्रांचेस में से आ जाएंगी. नेक्स्ट आपका फार्माकोलॉजी में, हाँ एक चीज आपके पास एडवांटेज है, यहाँ पे आपको ज्यूरिसप्रूडेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा डिटेल में यहां से नहीं पूछा जाता है. एंड जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट ये तो आपके कोर ब्रांचेज हुई, मींस जो आपके कोर सब्जेक्ट फार्मा में पढ़ना है, जो आपने जीपैट के लिए पढ़ा वो तो पूरा का पूरा पढ़ना है. लेकिन लास्ट ईयर की मैं बात करूं, लास्ट ईयर अराउंड 50 क्वेश्चन, अराउंड की बात कर रहा हूं, दो चार क्वेश्चन आगे पीछे हो तो गलत मत बोलिएगा, अराउंड 50 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो फार्मा सब्जेक्ट से डायरेक्टली हमारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं थे. तो कहां से पूछे गए ये क्वेश्चन? आपसे पूछे गए फ्रॉम द जनरल नॉलेज, जीएस, रीजनिंग, कॉमन साइंस, इन सारी चीजों से पूछा गया. फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट से काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं. नेक्स्ट फार्मा न्यूज एस्पेक्ट, जो भी करेंट अफेयर्स हैं, नोबेल प्राइज, यूएसएफडीए अप्रूव्ड ड्रग, डीलिस्टेड यूएसएफडीए ड्रग, जितने भी करेंट मार्केट में अवेलेबल चीजें हो रही हैं, लाइक इस समय तो आपके पास इतनी सारी न्यूज है कोविड से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. इंडिया में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला, इस ईयर किसको किसको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज से एक दो क्वेश्चन हर साल के जरूरी होते हैं, मस्ट है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. नेक्स्ट आपके हो सकते हैं किसी ब्रांड को पूछ लिया जाए, ये ब्रांड किस कंपनी की ड्रग है, या टॉप टेन आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या वहां के जो हमारे सीईओ हैं, एमडी हैं उन इंडस्ट्रीज के, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं. मींस कंप्लीट फार्मा करंट अफेयर्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये चीज आपके पॉइंट क्लियर हो जाती है कि आपको क्या चीजों पे फोकस करना है. अब मैं इस सेक्शन के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले कोर ब्रांचेस की बात करते हैं. स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, व्हाट टू स्टडी, मतलब हम फार्मा सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो फार्मा सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है. मैं शुरुआत करूंगा बेटा केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री यहां पे बहुत मेजर रोल इन्वॉल्व करती है. मतलब अगर मैं बात करूं तो अराउंड 20 क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं. मतलब यहां पे आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग अच्छी होनी चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है. जहां पे IUPAC नॉमेनक्लेचर, RNS नॉमेनक्लेचर, EZ आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म कंप्लीट,
बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, जितने भी आपकी एस्टर हाइड्रोलिसिस या जितने भी आपके मैकेनिज्म्स हैं, जेरी मार्च, मार्कोनी कॉफ, मीन जितने भी आपके नेम रिएक्शंस आपकी आती सब आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके फर्दर बात करें तो रेजोल्यूशन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, वेरियस डिटेक्शन, जो भी हमारे इनके डिटेक्शन मेथड होते हैं, थर्मल मेथड कौन सी है या हमारे थर्मल ग्रेविमेट्रिक मेथड कौन सी है, सारी चीजों का। नेक्स्ट आपकी बात करें, बायोकेमिस्ट्री भी इसी में इन्वॉल्व हो जाता है, हम केमिस्ट्री में ही बायोकेमिस्ट्री लेके चल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में ओसाजोन टेस्ट क्या है, म्यूटा रोटेशन क्या होते हैं, हेट्रोसाइकल्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन सी सिंथेसिस रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन कौन कौन सी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन काफी अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने को मिलेंगे, IR, NMR, UV, जैसे आपने हकल्स रूल वगैरह पढ़े हुए ना, वो सारी चीजें, ये अगर आपने यहाँ पे जो आपके यूवी में आपके जो लेमडा मैक्स निकालने के लिए आपके रूल्स हैं उनको भी, आपको वुडवर्ड फिशर रूल इनको भी ध्यान रखना है, क्रोमेटोग्राफी, रिएक्शन काइनेटिक्स, कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल, कैसेन, पार्किन, डिकमैन, जितने भी नेम रिएक्शन हैं आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक पढ़ी है उन सबको यहाँ पे फिर से आपको रिवीजन करना है। जितने भी आपकी नेम रिएक्शन, बार बार बोलूंगा नेम रिएक्शन बहुत जरूरी है, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे आ जाता है, यूवी रेंज, IR डेटा, NMR पीक्स, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये तो आपका हुआ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, सारी चीजें। फर्दर आप बात करते हो नेचुरल प्रोडक्ट, आपने शायद जीपैट में नेचुरल प्रोडक्ट को इतना फोकस नहीं किया होगा, लेकिन नाइपर में आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहां से काफी अच्छी रिएक्शन से पूछी जाती हैं, लाइक जो हमारी सिंथेटिक पाथवे होती है, बायोसिंथेटिक पाथवे होती हैं, वहां से क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं। मींस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स के आइसोलेशन, बायोसिंथेटिक पाथवे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दे आर एग्जाम्पल, जितने भी आपने क्लासेस पढ़ी हुई है, मींस फार्माकोग्नोसी भी इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक क्लासेस लाइक एंटी डायबिटिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, अब आपने अभी तक पढ़ा था एल्कलॉयड, ग्लाइकोसाइड, उसके बेसिस पे यहां पे आप पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, डाइट्री एंटीऑक्सीडेंट, जहां पे मैराइन नेचुरल प्रोडक्ट्स, आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, यहां पे आपकी बहुत सारी पोर्शंस कवर करेगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में, यहां पे आपके नेक्स्ट फिशर रूल्स, आपके फॉर्मूलाज आ जाते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज से क्वेश्चन आपके बनते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड द नेचुरल प्रोडक्ट्स फार्माकोग्नोसी में क्वेश्चन आपके, वायरल, एंटीवायरल ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, लॉट ऑफ, मतलब कंप्लीट यहाँ पे। देखो बेटा अब आपका लगातार सिलेबस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जितना आपने पढ़ा है जीपैट के लिए सिर्फ वही चीजों को फोकस करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी आपके कॉन्सेप्ट्स एक लाइन में क्लियर होने चाहिए, तुरंत क्वेश्चन आंसर करने वाली एबिलिटी आपकी डेवलप हो चुकी होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट जनरल फार्माकोलॉजी आपकी हो जाएगी, ड्रग इंटरेक्शन आ जाएगा, फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, OECD गाइडलाइंस क्या होती है, टॉक्सिसिटी गाइडलाइंस क्या होती है, इनको भी यहाँ पे क्लियर करना है, IEC क्या होते हैं, CPCSCA क्या होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, बात करते हैं ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, कोलिनर्जिक मींस ANS, नेक्स्ट CNS, फर्दर आपका यहाँ पे बात करते हैं जो भी बॉशर में मेंशन है आपके एरिया लाइक डिजीज, कीमोथेरेपी, बायोएसे, बेसिक मैकेनिज्म, जो भी ड्रग रिएक्शन है, एडवर्स रिसेप्टर क्लासिफिकेशन विद द एग्जाम्पल, हर एक चीज यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट मेजर में आता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको वही चीज है, सिमिलर लैकमैन उठाइए और लैकमैन को बहुत अच्छे से पूरा फिर से रिवाइज कर जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, कंप्लीट यहाँ पे आएगा, जितनी भी आपकी न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, सारी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो आपको रखना है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कैरियर मीडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेक्स्ट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पेरेंटल प्रोडक्ट, ड्रग टारगेटिंग, प्री फॉर्मुलेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, डोजेस फॉर्म एंड डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे जाते हैं। जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में एडिटिव्स यूज होते हैं उनको भी आपको रखना है, डोजेस फॉर्म, कोटिंग, पैकेजिंग, नेक्स्ट कंपार्टमेंट मॉडलिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स से बायोअवेलेबिलिटी एंड इवेल्युएशन ऑफ फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ रिलीज ऑफ कंट्रोल्ड एंड ओरल फॉर्मुलेशन,
मींस फॉर्मुलेशन से काफी अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर नाइपर के लिए कोई ऑफर नहीं है जीडीसी में, वो बात की बातें बेटा। जगरूप आपका क्वेश्चन क्या था? सर न्यूमेरिकल्स आते हैं? जी हाँ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता हूं तो समझ में नहीं आता कि कहां से पूछ रहा है, क्या करूं सर? सत्यम आंसर यहीं पे है, क्योंकि अभी हमारा वे ऑफ स्टडी पूरा का पूरा बदल जाएगा। फार्मा तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन उसको भी एडवांस लेवल पे लेके पढ़ना है, वो हमारे लिए जरूरी है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनालिसिस मैंने आपसे बार बार बोला बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे हो जाता है। आपकी क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, नेक्स्ट क्यूए क्यूसी हो, प्री फॉर्मुलेशन हो, कंप्लीट। ये पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको वहां पे मिल जाएगा। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी बायोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाएगी, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जितने भी कंटेंट्स हो जाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्लीट यहाँ पे चीजें आपकी कवरअप हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी के लिए एज सच आपके पास कोई बुक भी अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए कोई ज्यादा आपको फोकस भी करने की जरूरत नहीं है। इस पे सिंपली आपको क्या है, जो ड्रग मार्केट में अवेलेबल है उनका यूज कैसे होता है वो चीजें होती हैं। माइनस वन होता है सर, माइनस वन क्या होता है मोहम्मद तजबुद्दीन? सर नाइपर एग्जाम फॉर्म डेट अभी नहीं आई है बेटा, आकाश अभी नहीं आई है। ओके नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फार्मको इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मको इन्फॉर्मेटिक्स भी आपके लिए जरूरी है। इसके लिए सिर्फ आप फोए बुक उठाइए, रेमिंगटन बुक उठाइए और आपकी फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी बुक, इन तीनों में आपके ये सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ये आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्दर अगर आप बात करते हो आपका कौन सा स्कोरिंग एरियाज है, बायो स्टेट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मींस अगर हम यहाँ बात करें स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं, लेटेस्ट ड्रग बैन, जैसे मैंने आपसे बोला यूएसएफडीए बैन अप्रूव्ड ड्रग, ये आपसे जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आपके अप्रूव्ड बैंड यूएस मार्केट एंड लेटेस्ट जनरल से क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर होते हैं। रामचंद्रन प्लॉट क्या है, बर्डेट प्लॉट क्या है, मार्कोनी कॉफ रूल क्या है, इनसे 3 क्वेश्चन आपके कवर अप होते हैं। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इनसे भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप आपकी हो जाती है। फर्दर अगर आप बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अच्छे क्वेश्चंस कवर अप करती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई कि कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लास्ट ईयर मैं आपको बार बार बोलूंगा 50 क्वेश्चंस आपके अदर देन फार्मा से पूछा गया था, मींस फार्मा सब्जेक्ट्स के अदर देन पूछा गया था, इसलिए उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ये गारंटी नहीं दोगे कि 150 अगर आपने फार्मा क्वेश्चंस किए तो वहां पे आपके 100% सही होंगे। तो इसलिए आपको नॉन फार्मा चीजों को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके नेक्स्ट हमारा नाइपर थर्स्ट एरियाज, कहां पे आपको ज्यादा फोकस करनी है, जितनी भी हमारी माइक्रोबियल या वायरल डिजीज है इनसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, पैरासाइटिक डिजीज आपकी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग, ऑर्गेनिक रिएक्शन, पेप्टाइड, जीनोमिक, हार्मोनल डिसऑर्डर, इन सब से काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब बात आती है एंट्रेंस एग्जाम, क्या मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, क्या मुझे ये एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अभी तक आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि देना है तो क्यों देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। लेकिन अगर पॉइंट ये आता है कि देना तो है लेकिन क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ये कंटेंट मेरा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पे आपको 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करने हैं, बट रिमेंबर नॉट टफ जॉब, बहुत ज्यादा टफ जॉब नहीं है बेटा, सारे स्टूडेंट्स करते आए हैं और आप में से करेंगे, आप ही लोग करेंगे और कोई तो करने आएगा नहीं, जितने जीपैट क्वालिफाई हुए हैं वही तो करेंगे ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यू कैन Attempt those question in which you have 100% surety, क्योंकि यहाँ पे तुक्का नहीं चलेंगे, यहाँ पे guess नहीं चलेगा। अगर किसी question के बारे में आपको कोई knowledge नहीं है, कोई idea नहीं है, better than leave that question, touch मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। Okay, try to manage time to get success, क्योंकि आपको एक question को attempt करने के लिए 45 seconds का around time मिलेगा, तो 45 seconds में अगर हम ढंग से question एक पढ़ते हैं ना तो भी 20 से 25 सेकंड लग जाते हैं।
और 45 सेकंड में दिमाग चला के आंसर भी कर देना है। तो मतलब है कि हमें स्पीड हमारी हाई होनी चाहिए, एक्यूरेसी सुपर होनी चाहिए, निगेटिविटी एज मच एज लो होनी चाहिए, तब हमारा ये रिजल्ट क्वालिफाई होगा। सो वेल वी रिपीट अगेन, नो नीड टू नो एवरीथिंग वेरी थॉरली बट गो थ्रू ईच सब्जेक्ट। मेरी बात समझिएगा, सारी चीज पढ़ने की जरूरत, सारी चीजें आपको याद भी नहीं होंगी, लेकिन कोशिश जरूर करिए कि सारी चीज पढ़िए जरूर, क्योंकि आपको हर एक चीज पूरी तरीके से नहीं याद हो सकती है, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको तो याद करिए ना, उतना तो कम से कम रीड आउट करिए ना, उनसे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करिए ना। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल क्वेश्चन आर देयर, डोंट गो इन मोर डेप्थ। अभी आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अभी अगर मैं सिंपली बात करूं आपसे, एग्जाम्पल की बात करूं, कि अगर मैं सिंपल बात करूं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय, आपका आंसर होगा क्लोरामफेनिकॉल, लेकिन बात आती है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम व्हाई कॉज्ड बाय द क्लोरामफेनिकॉल, डीप में मुझे जाना था जीपैट के लिए। यहां पे आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा, यहां पे आपसे थॉरली क्वेश्चंस होंगे, जस्ट सुपरफिशियल क्वेश्चन होंगे, तो अब आपको डीप में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रिमेंबर रखिएगा, मेन ऑफ्टन बिलीव व्हाट दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी। इफ आई बिलीव आई कैन नॉट डू समथिंग, इट मेक्स मी incapable of doing it, but when I believe I can and then I acquire the ability to do it, even if I didn't have it in the beginning. मुझे नहीं पता है मेरा डाइपर होगा या नहीं होगा, नहीं पता है, लेकिन अटेम्प्ट तो करूं, ट्राई तो करूं, करके तो देखूं, एग्जाम की तैयारी तो करूं। क्वालिफाई होगा नहीं होगा बात की बात है। अभी मेरे साथ बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जीपैट मेरी रैंक ये है, मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, ये कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मैं कहता हूं बेटा, जो भी मिलेगा वो सब जुलाई अगस्त में मिलेंगे ना, अभी 3 महीने तो नहीं मिल रहे हैं ना। 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्म फिलअप करना है और अपनी तैयारी करनी है, तो क्यों ना इस 3 महीने का मैं ऐसा अपना यूटिलाइजेशन करूं दैट आई हैव टू क्वालिफाई एंड आई शुड एंड आई विल क्वालिफाई द नाइपर एग्जाम। जब ये मोटो लेके आओगे ना और इस बिलीफ के साथ आप तैयारी करोगे ना, देन डेफिनेटली ऊपर वाला भी आपके एग्जाम के पॉजिटिव रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। सो हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव क्वालिफाइड जीपैट, यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन योरसेल्फ, तो आपको नाइपर भी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। यू कैन डू योर बेस्ट एंड डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द नाइपर एग्जाम। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ यू हु हैव सेलेक्टेड and qualified the GPAT 2021, everyone, I advise to all of you, go for the NIPER exam. This is not only required, but it is very useful for you. ये आज नहीं समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा जब आप वहां placed हो जाओगे और वहां admission ले लोगे और वहां अपने seniors के placement के बारे में जब सुनोगे देखोगे ना, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी कि सर ने क्या बोला था। मैं बहुत जल्द, काफी मेरे जो नाइपर स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, मैं उनके इंटरव्यूज कंडक्ट कराने वाला हूं इसी चैनल में। हम लोग कंडक्ट कराएंगे पूरी हमारी जेडीसी टीम, और अब उससे आपको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी कि मैं क्यों आपको बार बार कह रहा हूं बेटा कि नाइपर के लिए जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एवरीवन जस्ट गो फॉर द नाइपर एग्जाम, डोंट थिंक एक्स्ट्रा। बीएचयू होगा, पंजाब होगा, आईसीटी होगा, जादवपुर होगा, होगा नहीं होगा बात की बात है। अभी मुझे क्या करना है, ओनली आई हैव टू गो फॉर द नाइपर एग्जाम, मुझे इसको क्वालिफाई करना है, मुझे नाइपर में एडमिशन लेना है नहीं लेना है कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं एग्जाम तो दूं, अपने आप को टेस्ट तो करूं, क्योंकि जब मैं इसकी तैयारी करूंगा ना बाकी एग्जाम्स जरूर मैं आपको क्वालिफाई कर लूंगा। बिट्स वर्सेस नाइपर, बेटा मैं कोई इसमें कंपैरिजन करूंगा ही नहीं। अगर आप नाइपर मोहाली और हैदराबाद के बारे में बात करोगे तो बेटा बिट्स उसके आगे शायद कहीं नहीं स्टैंड करेगा। मैं किसी को ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, नाइपर इज मच मोर हायर देन बिट्स। ओके, चेस वाइब्स बेटा नहीं है, जीडीसी महाराष्ट्र में नहीं है, ओनली ऑनलाइन पे है, महाराष्ट्र में ऑफलाइन ब्रांच नहीं है। एक ही क्वेश्चन मत पुट अप करिए, सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना बेटर है या ऑफलाइन,
बोथ फॉर जीपैट एंड नाइपर। हर्ष अभी ये क्वेश्चंस नहीं बेटा, अभी मैं नाइपर के मूड में ही हूँ। सो थिंक दैट यू आर डिस्टाइंड टू बी नाइपर एंड रेस्ट एश्योर्ड विल बी द पार्ट ऑफ इट। पहले एक बार सोचिए तो सही कि आपको नाइपर जाना है, बाकी जो होगा बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ नाइपर के बारे में बात करेंगे। चलिए, बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर यहाँ पे फीस कितनी है, यहाँ पे फीस कितनी है। मैं एक अराउंड आपको बात कर दूं कि अगर आप एमएस फॉर्म, एमटेक, एमफॉर्म इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, इनके लिए जा रहे हो, देन अराउंड यहाँ पे आपको 95,000 आपकी फीस है टोटल। दिस इज फीस फॉर द टोटल टू इयर्स, दो साल की टोटल फीस है ये, बात ध्यान समझिएगा। एमबीए के लिए जाओगे तो इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे 2.5 मींस 2.5 लाख दो साल की टोटल फीस है, थोड़ा ज्यादा है। बट यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी 12,400 की, यहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फेलोशिप नहीं मिलता है, लेकिन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बेसिस पे, आपके रिजल्ट के बेसिस पे टॉप 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनका खुद का फेलोशिप प्रोग्राम होता है, वो दिया जाता है अराउंड 25,000 के आसपास। तो फर्स्ट सेमेस्टर नहीं मिलेगा, बट उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो फीस आपकी कितनी है अराउंड में ब्रेक करके पर सेमेस्टर वाइज बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी पर सेमेस्टर अराउंड 18,522 बेसिक जो उसका ब्रेकडाउन है सारी चीजें हैं। और अगर एमफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो 69,100 फॉर पर सेमेस्टर, ये हम पर सेमेस्टर फीस बात कर रहे हैं। कुछ फीस कॉमन होती है जो चाहे एमफॉर्म हो, चाहे एमएस हो, चाहे एमबीए हो, वन टाइम ये फीस देनी पड़ती है टोटल 19,000, जिसमें 10,000 रिफंडेबल कॉशन मनी होती है, बाकी आपकी एडमिशन फीस, एलुमनाई फंड फी, हॉस्टल फीस, हॉस्टल एडमिशन चार्जेस देखो बेटा 1500 केवल, ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ पे होता है, प्लेसमेंट फीस होती है, ये आपकी कंप्लीट ये फीस होती है। सो नाउ दिस इज द फी स्ट्रक्चर। सर नाइपर में भी एससी एसटी और ओबीसी कोटा होता है नीलेश? जी हाँ, नाइपर में भी अलग से जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वहां पे आपके रैंकिंग, आपके कैटेगरी के बेसिस पे आपकी होगी। सर मैं 2.5 लाख की सूची एमबीए की, बिकॉज मुझे किसी ने बताया था 6 लाख। नहीं सौरभ, मुझे तो ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे जीडीसी पे ही, आप उनसे सारे क्वेश्चंस अपने पुटअप कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द फी स्ट्रक्चर फॉर द नाइपर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मेरे आइडिया से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको नाइपर क्या है, वहां का प्लेसमेंट क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस कितना है और उसकी फीस कितनी है, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, हर एक चीज कंप्लीट डिटेल आपको मिल चुकी होगी। अब आपके मैं क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूं। चलिए, आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, अब आप पुट अप करिए। सर एनटीए का फेलोशिप नाइपर को एलिजिबल है या जीपैट क्वालिफाई के बाद मिलता है? एनटीए का फेलोशिप नाइपर को एलिजिबल है क्या जो जीपैट क्वालिफिकेशन के बाद? हाँ बेटा बिल्कुल, मैं ये 12,400 की जो बात कर रहा था ये जीपैट की ही फेलोशिप है। सर फार्मास्यूटिक्स एमफॉर्म में है या एमएस फॉर्म में? फार्मास्यूटिक्स एमएस फॉर्म में है बेटा। सर क्या आप नाइपर के ऑफलाइन क्लास लेते हो? अंकिता, ऑफलाइन क्लास नहीं बेटा, ऑनलाइन क्लासेज ही सिर्फ होती है। जीडीसी में नाइपर क्रैश कोर्स है, उसमें ऑनलाइन क्लासेज आपको मिलेंगी। सर विच रैंक इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन नाइपर मोहाली? नाइपर मोहाली का टारगेट करते हो तो बेटा नाइपर में 300 रैंक, 300 रैंक से अंदर होना चाहिए तो नाइपर मोहाली आपको मिल सकता है। कोर ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, बात की बातें हैं, लेकिन 300 तक नाइपर मोहाली मिलता है, मैं आपको ये बोलूंगा। सर मेरे सीनियर्स ने बोला यहाँ वन ईयर फी 70,000 है। वन ईयर फी 70,000 ना, वही तो मैंने आपसे बोला बेटा ना, अराउंड टोटल मैंने दो साल की फीस बोला है, दो साल की कंप्लीट फीस 2.5 लाख है। बाकी मैं आपको बच्चों से कंफर्म करा दूंगा बेटा। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन? ओके, ये पॉइंट अब बेटा इतना सारी चीजें हो गई। जीडीसी गाजियाबाद में ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी? सौरभ तोमर, जीडीसी गाजियाबाद में ऑफलाइन जीपैट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप जीडीसी क्लासेस ऐप में जाके कॉन्टेक्ट नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। सर फीस कितनी है नाइपर क्रैश कोर्स की? बेटा यही तो मैंने आपसे, ओके, नाइपर कोर्स की फीस बेटा आप जीडीसी क्लासेस ऐप में जाएंगे, वहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट कंटेंट अपडेटेड सो नहीं हो रहा है, व्हाट टू डू? किशन हो जाएगा, कल तक सारा अपडेटेड आपको आ जाएगा।
जीडीसी क्रैश कोर्स में सारी चीजें आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। कब तक वैलिड है ये पॉइंट क्या है बेटा, नहीं समझ में आया। सत्यम राज, पूरा करना है 180 तक। जी हाँ, अराउंड आपको 160, 170, 180 तक अटेम्प्ट्स लेने होंगे। सर सब्जेक्ट कौन से सही होंगे ये बता दीजिए। मैंने आपसे बार बार बोला बेटा, आपके चॉइस पे। अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, फार्माकोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर क्यूए क्यूसी में जाना है, आपको इस तरह की इंडस्ट्रीज में जाना है, देन गो फॉर द एनालिसिस, वहां पे आपकी जरूरी होगी। क्यूए क्यूसी की वहां इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप फार्माको विजिलेंस वगैरह में जाना चाहते हो तो फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोलॉजी, ये सारे आपके जरूरी होंगे, डिपेंड ऑन योर चॉइस। सर लाइव लेक्चर्स होंगे क्या नाइपर के लिए? जी हाँ बेटा, लाइव लेक्चर होंगे नाइपर के लिए जीडीसी क्लासेस में। फार्माकोलॉजी के लिए कितनी रैंक चाहिए? अगर आप फार्माकोलॉजी नाइपर की बात करोगे तो 200 के अंदर चाहिए आपको रैंक। अगर आप बात करते हो कहीं भी नाइपर फार्माकोलॉजी आपको चाहिए, देन अराउंड आपको 500 तक आपको फार्माकोलॉजी मिल जाएगी। सर ओबीसी के लिए कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा 200 में? सत्यम, मैं बार बार बोलूंगा बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कैटेगरी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अराउंड आपको 140, 150 क्वेश्चंस वहां पे आपको चाहिए ही चाहिए। सर फेलोशिप कैसे मिलती है नाइपर में, एमएस फॉर्म में? जस्ट सिमिलर फॉर द जीपैट। जो जीपैट की स्कॉलरशिप होती है, फेलोशिप होती है 12,400, वही फेलोशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिलेगी मतलब। सर राकेश को आंसर दो, राकेश का क्या क्वेश्चन था? व्हाट रैंक शुड आई गेट टू एडमिशन इन नाइपर हैदराबाद फॉर एससी कैटेगरी? आप फिर वही बात बेटा, वो हर कैटेगरी आपकी ब्रांच वाइज, हर ब्रांच वाइज अलग अलग होती है, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है ना, तो काउंसलिंग में आपके सबसे पहले आपको वहां पे विजिबिलिटी होती रहती है कि इस ब्रांच की ये, मतलब इस नाइपर कॉलेज की ये ब्रांच फिल हो रही है, वो वहां पे दिखता रहता है। तो अराउंड अगर आप नाइपर हैदराबाद की बात करते हो तो 300-400 मैक्सिमम 500 तक आप चल दो, आपको चाहिए ही चाहिए। सर 95,000 फी विद फेलोशिप है या विदाउट फेलोशिप है? विद फेलोशिप है, विद फेलोशिप है। आपको नाइपर में एमबीए छोड़ दीजिए, बाकी आप कोई भी एडमिशन लीजिए, एमएस ले रहे हो, एमफॉर्म ले रहे हो, एमटेक ले रहे हो, सब में आपको फेलोशिप मिलेगी बेटा। सर एमबीए के लिए कैट भी क्रैक करना जरूरी है, जीपैट क्लियर के बेसिस पे अलाउ करते हैं? ओनली जीपैट, यहां पे कैट, क्लैट, मैट, एनमैट किसी की कोई जरूरत नहीं है। ओनली जीपैट और आपके नाइपर की रैंक, नाइपर की रैंक आपकी इंपॉर्टेंट होगी। नेन आपको वहां पे जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा। टॉप 150 स्टूडेंट, जो नाइपर में टॉप 150 स्टूडेंट्स आते हैं, रैंक 150 तक आती है, उनको जीडीपीआई, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद उनकी अलग रैंक बनती है और उसके बाद फार्मा एमबीए में एडमिशन होता है, तो उसमें आपको कैट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जीडीसी में नाइपर 2020 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हुआ है अब तक? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा योगेन, जल्दी आ जाएगा। सर मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन सी रैंक नाइपर में अदर देन नाइपर कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी? नहीं, अदर देन कॉलेज बेटा नहीं समझ में आया। ओके प्रिया, ओके हो गया। सर मैं एम फार्मेसी करके साइंटिस्ट बन सकता हूँ क्या? बहुत बिल्कुल बन सकते हैं बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ही है साइंटिस्ट वहां पे। सीमा यादव क्वेश्चन है, 12,400 स्कॉलरशिप कितने मंथ्स के लिए मिलता है? 24 मंथ्स, जिस दिन आप एडमिशन लोगे वहां से 24 मंथ्स, 2 साल के लिए आपको ये फेलोशिप मिलेगी बेटा। सर जीपैट के लिए अच्छा कौन सा ग्रुप है? जीपैट के लिए ये कौन सा पॉइंट नहीं बन रहा बेटा? एग्जाम सेंटर डिफरेंट होंगे? हाँ बेटा, एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, हर स्टेट्स में 1 या 2 एग्जाम सेंटर ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सेंटर्स के बारे में, वो फॉर्म के टाइम पे आपसे बात करेंगे, जब फॉर्म आएगा तब मैं उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। सर नाइपर की कोई फेलोशिप नहीं है? जरूरत क्या है बेटा, जीपैट की फेलोशिप है ना आपके पास, तो नाइपर की 2 फेलोशिप तो आप ले नहीं सकते हो, 1 फेलोशिप आपके पास ऑलरेडी है, तो दूसरे की जरूरत ही क्या है। सजेशन फॉर बीफॉर्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ो, सिर्फ एक ही सजेशन है, फर्स्ट ईयर को बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ो। सर जीपैट एक बार क्लियर करने के बाद नाइपर भी एक अटेम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए क्या? ऑब्वियसली, अगर आपका इस बार नाइपर, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने इस बार जीपैट क्वालिफाई किया, आपने नाइपर दिया, आपका नाइपर नहीं हुआ, ये आपके चॉइस की नहीं मिली, आप ड्रॉप आउट लेके नेक्स्ट ईयर के लिए भी जा सकते हो, अगर ऐसी चॉइस है तो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप जा सकते हो, क्योंकि 3 साल की जीपैट की वैलिडिटी है। नाइपर अहमदाबाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स के लिए कितना रैंक? अहमदाबाद की बात कर रहे हो तो अराउंड आपको 300-400 रैंक तक आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सर हमने 19 में जीपैट क्वालिफाई किया है, अब नाइपर में कब तक एडमिशन ले सकते हैं? 22 के पहले, इस बार या नेक्स्ट ईयर, बस 21
हाँ नेक्स्ट ईयर तक ले सकते हैं बस। मधु आपको आंसर मिल चुका होगा। ओके ठीक है। फारूकी क्वेश्चन है सर जीपैट एक बार क्लियर कर, हो गया बेटा आपका आंसर दे दिया। विकी का क्वेश्चन है सर मोहाली में सिर्फ एमबीए बोला को अच्छा पैकेज मिलता है, एमबीए वालों को अच्छा पैकेज मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है विकी, मैंने आपको डेटा के साथ बात किया, मैंने आपसे बिल्कुल वही बात किया और ऑफिशियल बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां से एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वहां पे हैं और उनके ही रिस्पॉन्स में आपको बता रहा हूँ। सर एमबीए के बारे में कुछ बता दीजिए। एमबीए वन ऑफ द बेस्ट, मैं जल्दी ही एक फार्मा एमबीए नाइपर मोहाली से लाके इंटरव्यू करवाने वाला हूँ, डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वो बहुत अच्छे से देंगे, तो आप जरूर मेरे साथ उसमें जुड़िएगा, आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर कैन आई गेट एडमिशन इन नाइपर थ्रू गेट जीपैट क्वालिफाइड इन थर्ड ईयर? कोई मतलब ही नहीं है बेटा, थर्ड ईयर एलिजिबल है ही नहीं है बेटा, आप इलीगल हो। अगर मैं बात करूं तो इलीगल वर्क किया है आपने थर्ड ईयर में जीपैट क्वालिफाई करके। सर नाइपर का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या प्लीज, जीपैट के लिए था? हाँ बेटा बिल्कुल है इरम शेख, आप GDCGPAT037@gmail.com पे अपना रिजल्ट भेजेंगे, आपको वहां पे प्रूफ के लिए, वो रिजल्ट आपके प्रूफ के लिए कि हाँ क्वालिफाइड है, क्योंकि सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड ही उस ग्रुप में ऐड होंगे। जीडीसी अंडर 100 रैंकर को कौन सा नाइपर पैकेज फ्री प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं? ओके जीडीसी स्टूडेंट जितने भी अंडर 100 रैंक हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नाइपर क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। सर कैन यू एक्सप्लेन एमएस फार्मा एंड स्कोप? बहुत सारे स्कोप हैं बेटा, नाइपर से बहुत सारे स्कोप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर व्हाई नो स्टाइपेंड फॉर फार्मा एमबीए? क्योंकि बेटा ऑलरेडी वो आपको 25,000 नेक्स्ट ईयर से देने वाले, नेक्स्ट सेमेस्टर से देने वाले हैं अगर आपकी रैंक अच्छी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से वो क्या कराते हैं आपका ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग होती है, वहां पे इंडस्ट्री खुद आपको फेलोशिप देती है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि वहां पे आपको जीपैट की फेलोशिप नहीं मिल रही है, वहां पे ऑलरेडी आपको बहुत बड़ी फेलोशिप मिलने वाली है, तो इसके लिए बिल्कुल मत सोचिए कि फार्मा एमबीए में आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। तो कलीम आपको आंसर मिल चुका होगा। सर आईआईटी बीएचयू में एडमिशन के लिए जीपैट रैंक कितनी होनी चाहिए? अराउंड 100 और 150 अच्छे ब्रांच के लिए। सर अगर मैं एम फार्मा फर्स्ट ईयर में जीपैट क्लियर करके 1600 रैंक, मुझे क्या करना चाहिए? मनोज अगर आप एम फार्म कर रहे हो बेटा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एम फार्म कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अगर आपका टारगेट है पीएचडी के लिए तो आपको ये जीपैट आपकी वहां पे फुलफिल करेगा। नागेश सर कैन वी सेटल इन अब्रॉड बाय डूइंग एम फार्म इन नाइपर? बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी, कंपनीज आपकी फॉरेन कंट्रीज की आती हैं जहां पे आपको अब्रॉड के चांसेस मिलते हैं। सर एम फॉर्म में एडमिशन के लिए जीपैट क्रैक करने के बाद रैंक के आधार पर खुद कॉलेज मिलती है? नहीं बेटा खुद कोई कॉलेज नहीं मिलती है, आपको वहां पे हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा दीपक, आपको हर कॉलेज का, लाइक अगर आपको बीएचयू जाना है तो बीएचयू का फॉर्म फिलअप करना है, डिप्सार जाना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां का एग्जाम फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, तभी आप वहां पे होंगे। सर क्लासेस होंगी क्या नाइपर के यूट्यूब पे? रशिका बहुत कोशिश कर रहे हैं बेटा, अगर हम कर पाए तो जरूर करेंगे। ओके मेडिसिनल मेडिकल डिवाइसेस के बारे में कुछ बताइए बेटा, वो अभी जब एडमिशन ले लेंगे ना तब उसके बारे में करेंगे। सर प्लीज बताइए जीपैट का रिजल्ट नाइपर के लिए कितने टाइम तक वैलिड होता है? 3 ईयर, 3 ईयर की वैलिडिटी होती है जीडीसी नाइपर क्रैश कोर्स। अंकिता मैं इस पे बेटा पूरा एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, आप उसको देख लोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर इस साल कितने स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई किए हैं? 4,432, मतलब 4,400 के आसपास हैं। सर नाइपर कॉलेज फीस कितनी होती है? बेटा क्लियर तो कर दिया, सारी चीजें तो बता दिया गौरव। ओके ऋतिक क्रैश कोर्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है नाइपर के लिए? स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, आप अपने चॉइस के बेसिस पे जा सकते हैं। रोनाल्डो साहब थैंक यू, क्वालिफाई हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग द नाइपर, मैंने कोशिश जरूर किया आपको फुलफिल करने के लिए, अगर आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे तो जरूर आप फॉलो करेंगे, फर्दर कोई डाउट होता है जरूर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, नेक्स्ट क्लासेस में जरूर हम मिलेंगे, कोई भी डाउट होगा जरूर फुलफिल करेंगे। So with this, thank you so much to all of you for being with me. I hope
आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। चलिए तो आज की क्लास यहां एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।